तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल चंचल टेक में। तो आज हम देखेंगे कि हमारा जो लैपटॉप और पीसी है इसमें रैम कितने लगा हुआ है, ठीक है, मतलब कितने स्लॉट है, ठीक है। अगर आप लोगों को फ्यूचर में रैम अपग्रेड करना है तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो मैं एक सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ वो है CPU Jet, ठीक है। इसके लिए देखो आप लोग को मैं ये जो साइट है, ठीक है, सॉफ्टवेयर का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो कैसे चेक करना है रैम स्लॉट इन आवर पीसी लैपटॉप, ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को CPU-Jet के सर्च करना है, ठीक है। सर्च करने के बाद ये जो फर्स्ट लिंक है https://www.cpu-id जो ये जो साइट है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा, थोड़ा सा नीचे आना है, फिर ये जो सेटअप इंग्लिश, यहाँ पर सेटअप इंग्लिश 32 एंड 64 बिट सिस्टम, यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद डाउनलोड CPU-Jet, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। तो डाउनलोड करना है, तो इसका जो साइज है आप लोग देख सकते हैं ये, ठीक है, तुरंत डाउनलोड हो गया है, मतलब ज़्यादा साइज नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है, फिर आपको ये इंस्टॉल करना है, इसके लिए आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा, शो मोर ऑप्शंस और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, एंड देन आपको यस करना पड़ेगा और आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, देन आप लोगों को ब्राउज पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप चाहो तो सी ऐसे ही नेक्स्ट करके कर सकते हो, ठीक है, तो मैं ब्राउज करूंगा, ठीक है। इसके बाद एज ड्राइव CPU-Jet मैंने पहले से एक फोल्डर बना कर रखा है, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर ओके, फिर आपको करना है नेक्स्ट पे क्लिक, ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करना है, अगेन नेक्स्ट पे क्लिक, ओके, अगेन इंस्टॉल पे क्लिक, तो ये फिनिश हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को फिनिश पे क्लिक करना है, फिनिश, ओके, तो इसको जस्ट क्लोज कर देना है, ठीक है। इसके बाद इस विंडो को भी क्लोज कर देना है, फिर आप लोगों को जानना है स्टार्ट पे, फिर ऑल एप्स CPU-Jet, ठीक है, ये है CPU ID करके ये यहाँ पर क्लिक करना है, फिर CPU-Jet ये जो न्यू है यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है, फिर आप लोगों को यस कर देना है, ठीक है। हाँ, इसके बाद आप लोगों को मेमोरी देखना है, इसके लिए आपको मेमोरी पे क्लिक करना है, तो मेमोरी पे आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइप क्या है, टाइप है DDR4, मेरा जो लैपटॉप है ये इसमें साइज है 8 GB, ठीक है, 8 GB सपोर्ट है, DDR4 टाइप है DDR4, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को अगर स्लॉट जानना है तो आप लोगों को SPD यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है, SPD पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आप लोग देख सकते हैं इधर DDR4 और ये जो स्लॉट #1 है यहाँ पर एक बटन है, ठीक है, ड्रॉप डाउन बटन, यहाँ पर क्लिक करना है, तो आप लोग देख सकते हैं 2 स्लॉट है जिसमें मेरा एक स्लॉट पे 8 GB लगा है, ठीक है, तो मैं दूसरा स्लॉट जो है यहाँ पर 8 GB और इंस्टॉल कर सकता हूँ, ठीक है, इन फ्यूचर। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं स्लॉट चेक कर सकते आसानी से, ठीक है। तो अगर आप लोगों को
इधर DDR4 और एक रैम लगाना है, तो ये जो मेरा सिस्टम है सो 8 GB से 16 GB हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को मैं ये जो जो मेमोरी है, कौन सा मेमोरी लेना चाहिए, उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा, ठीक है। इसका जो ये पहला पार्ट था और सेकंड पार्ट जो इंस्टॉल का होगा, मैंने 8 GB से रैम को 16 GB करूंगा, ठीक है। उसका भी वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सपोर्ट आवर चैनल, ठीक है। थैंक यू।